रहीम सल्ला महमद नूर नूरिल्ला। आज ही मैं आपके साथ मसर चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। वाइट चावल साथ बनाऊंगी सिंपल तरीके से, जिस तरह वो बनाते हैं वो मैंने चावल साथ बनाऊंगी और साथ मसर बनाऊंगी। ये मैंने जी एक प्याली मसर ली है, 2 घंटे पहले मैंने इनको वॉश करके भिगो लिया। ये देखे कितने ज़्यादा ये फूल गए हैं, इस तरह अच्छे से जो ना सोते हो गए हैं। और साथ इसमें मैंने डाला है 1/2 प्याली चने की दाल, ये भी जो है ना ये भी 2 घंटे पहले वॉश करके भिगोई हुई है। अब दोनों चीज़ों को मैं इसमें डाल दूंगी प्रेशर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मेरी अम्मी इस तरह बनाती है, मैंने भी इसी वजह से मैं मसर कभी भी खाली नहीं बनाती, जब भी बनाऊँ इसके साथ थोड़ी चने की दाल ज़रूर ऐड करती हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और ज़्यादा हंडिया भी काली काली नहीं लगती। 1/2 कप मैंने इसमें चने की दाल ऐड की है, ये भी साथ ही डाल देंगी। पानी भी इसका भी मैंने साफ करके वॉश करके तो दोबारा मैंने इस पानी इसमें ऐड किया। अब इसमें डाल देंगे जी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्ची और 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, ये सारे इसमें डाल देंगे जी। वेजेस साथ इसमें डाल देंगे जी, 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी की, 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स जी ये 2 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, क्योंकि मिर्चें जो सी मैंने सब 3 मिर्ची सिर्फ इसमें ऐड की हैं। और 1/2 इसमें डाल देंगे जी साल्ट, 1 टीस्पून डाल देंगे क्रश किया हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून डाल देंगे श्वेत जीरा। मिक्स करेंगे और पानी थोड़ा सा इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे, पानी कम है, 1 गिलास पानी इसमें मैंने और ऐड कर दिया। ये 2.5 जो है ना ये पानी मैंने इसमें 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया। अब फ्लेम इसकी ऑन करती है, जब तक विसल की आवाज़ नहीं आनी आपने इसकी फ्लेम हाई रखनी है। विसल की आवाज़ के बाद आपने फ्लेम थोड़ी स्लो करके 10 मिनट तक इनको अच्छी तरह टेंडर होने देना है। और ये सारी जो सी चीज़ें हैं ना ये सारी तड़के के लिए हैं, गार्निश फिर बाद में करेंगे और साथ में आपको बता दूंगी। देखिए जी मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है, इसको 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर की विसल की आवाज़ आई है उसको मैंने फ्लेम स्लो कर दी है। अभी देखिए बिल्कुल हमारा जो सारे टमाटर और अदरक लहसुन की पेस्ट सब्ज़ मिर्ची डाली थी वो सारी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गई। ये देखिए बिल्कुल हमारे ये जो मसर भी और साथ चने की दाल दोनों टेंडर हो गई। अब इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल दूंगी और दरमियानी फ्लेम कर दूंगी। फ्लेम इसकी ऑन कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह जी आपने सारा मिक्स कर लेना है। साथ में डाल दूंगी जी 1/2 कप पानी, ज़रा ठीक है थोड़ी सी तरह सेट हो गया। साथ मैंने इसके बनाया जी ये बोनलेस थोड़ी 2-3 पीस मैंने कलेजी के भी डाले हैं इसमें, तो मैंने दही में मैरिनेशन किया। ये थोड़ा सा बनाया जी कि प्लेट एक 1 पर्सन के लिए ना ये बड़ा मज़े का जमी है। 1/2 प्याली जोगर डाल के थोड़े से इसमें स्पाइसिस डाले हैं, थोड़ा तिक्का मसाला डाला है अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ। बाद में मैंने इसको हल्का सा कुक किया और 1/2 कप पानी डाल के इसको मैंने कवर कर दिया। ये भी बड़े मज़े का। अब इसमें डाल दूंगी जी 3-4 सब्ज़ मिर्चें, 2-3 लेमन पीसीस ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये भी जस्ट साथ ही मसर के ना ये भी मैं थोड़ी सी बना रही थी, ये भी आपको साथ दिखा दूँ। ये भी बड़े मज़े की ग्रेवी बनती है, इसमें कोई प्याज नहीं है कोई टमाटर नहीं है। दही के अंदर ही मैंने 1/2 टीस्पून मैंने डाला इसमें सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून डाला इसमें क्रश किया सूखा धनिया, 1/4 में हल्दी, 1/4 में साल्ट और 1/4 चिली फ्लेक्स और 1/4 ही टिक्का मसाला ये डाल के तो मैंने इसको 2 घंटों के लिए मैरिनेशन करने के लिए रख दिया हुआ था। बाद में इसको मैंने थोड़ा सा ना 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ 4 टेबलस्पून ऑयल में ना इसको अच्छी तरह भुना है। ये देखिए और बाद में 1/2 कप पानी डाल के तो इसको मैंने फिर मैरिनेशन पे कर दिया। देखिए यम्मी सी जी सैलड साथ बनाएंगे। ये एक अनार है इसके मैंने पीसीस निकालेंगे और साथ थोड़े से ग्रेप्स हैं ये भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी डालेंगे कैबेज और 1 प्याज है उसकी मैंने राफली कटिंग करके ना उसको वॉश कर दिए और 1 टमाटर उसके बीच रिमूव कर दिए। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें जी ब्लैक काला नमक, बस माइनर सा ना फ्लेवर के लिए थोड़ा सा। 1 लेमन इसके ऊपर निचोड़ देंगे फ्लेवर के लिए। बहुत मज़े का यमी जो सा ना ये हमारा सैलड रेडी होगा। आपने ज़रूर इस तरह बनाएं, इसके साथ किसी भी खाने के साथ आप ये बना लें। फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें
जो ना हो वो स्किप कर दें, जो नहीं पसंद हो वो आपकी अपनी मर्जी। ये जी साथ इसके मसर चावल के साथ और साथ वो मैंने बोनलेस ग्रेवी सी बनाई है उसके साथ ये मज़े के ना सैलड रेडी हुआ है। आपने ज़रूर इस तरह बनाना है और मज़े ले लेके खाना है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखने, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। खुश रहें, सलामत रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ जी आपको ईजी आसान यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, हाफ कप ऑयल और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऑयल कर दिए मैंने इसमें, और साथ इसमें डाल दिया एक टुकड़ा अदरक का, तीन चबे लहसुन की बारीक कटिंग की हुई, तो थोड़ा सा इसको ना कलर आने तक इसको कुक करेंगे। बारीक कटिंग की हुई एक मिर्चा ये भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम इसकी बंद कर देंगे, इसी ऑयल में जलती है ना ये मिर्ची जलती है ना सेट हो जाएगी। अब मसर को डिश आउट करती हूँ और इसके ऊपर इसके जो है ना ये तड़का ऐड करती हूँ। ये देखिए जी इसके ऊपर मैंने तड़का भी लगा दिया है। मसर चावल बहुत मज़े के बने हैं, साथ ही जो सर है बोनलेस ग्रेवी ये भी बहुत मज़े की बनी है, और सैलड आपने ज़रूर इस तरह बनाना है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अल्लाह ताला। और दोस्तों में रिश्तेदारों में जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसको ज़रूर स्किप किए बगैर एंड तक फॉलो किया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखें। मिलती हूँ जी ईजी आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। ना उनको मैं